नति मिरांदस्य ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पत्रुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यं गौरतविषये नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। वंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सच विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए डियर डिवोटीज ऑफ गौर, गौर के प्रिय भक्तों, तो दिस इज कॉन्फिडेंशियल महाप्रभु इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ रस राज एंड महाभाव। महाप्रभु कौन है? कई राधा कृष्ण के मिलित अवतार है रस राज और महाभाव। कृष्ण जी रस राज है और महाभाव है राधा रानी, इन दोनों के मिलित अवतार हैं। विदाउट दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रस राज एंड महाभाव सच अमेजमेंट एंड अमेजिंग लीला विल नेवर कम आउट इन रसराज और महाभाव के मिलन के अलावा ये इतनी अद्भुत लीला कभी प्रकट हो ही नहीं सकती है। देयरफॉर कृष्णराज कविराज गोस्वामी हैज यूज द वर्ड अद्भुत। इससे तो कविराज गोस्वामी ने क्या शब्द लगा, अद्भुत वंडरफुल थ्री टाइम्स, अद्भुत कारुण है, अद्भुत वदन है, अद्भुत उदार है, यानी बहुत ज्यादा आप मर्सीफुल। मर्सीफुल मतलब कि आप दयालु हो, वंडरफुली म्यूनिफिशन, आप बहुत ज्यादा उदार हो एंड वंडरफुली मैग्निमिनस। उसका मतलब वही है कि बहुत बड़े हृदय वाले हो। कविराज गोस्वामी has written this because he is empowered by the mercy of Rup and Raghunath. Kaviraj Goswami is pagha kyun likh gaye, kyunki unko vishesh kripa prapt hui to Rup aur Raghunath ki. Praying at the lotus feet of Rup and Raghunath always desiring their mercy, unke charnon mein pranam karte unki kripa shakti prapt karte hue I nare chaitanya 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 ka vandan karta hu. Kaviraj Goswami begged for that mercy at the end of every chapter. Har chapter ke end mein unhone wo kripa mangi hai. He has used the word adbhut three times. Unhone teen dafa adbhut shabd ka prayog kiya hai. Because the glory of this prem prayojan tattva is very confidential. Kyunki uski mahima jo hai prem ke prayojan tattva ki badi gopniya hai and aur adbhut hai. महाप्रभु रैलिश प्रेम रस एंड मैनिफेस्टेड इट। महाप्रभु ने प्रेम रस का आस्वादन किया और उसको प्रकाशित भी किया। नॉट ओनली कीपिंग इट इन साइड बट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग, केवल अपने तक ही सीमित रखा, केवल आस्वादन ही किया, उन्होंने वितरण किया कि हर बंदा इस रस को प्राप्त करके अधिकारी बन जाए। You will never hear of anyone as wonderfully munificent, wonderfully merciful and wonderfully magnanimous. यानी आप कोई नहीं ऐसा दिखाएगा जिसमें इतनी उदारता, कृपालुता, दया दिखाई देती है। चैतन्य महापुर एनी सेज इन कंक्लूजन, और वो कहते भी हैं वर्शिप द फीट ऑफ श्री गौरांग महाप्रभु इन ऑल रसम। महाप्रभु के चरणों की उपासना करिए, ओनली इन दिस यू विल अचीव द नेक्टेरियन ट्रेजर ऑफ एक्सटेटेड लव फॉर कृष्णा। इसी प्रकार आपको उस प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी जो कृष्ण प्रेम है।
To achieve Krishna Prem is the supreme perfection of all human birth. Krishna Prem Prabh Karna, Yehi Hamari Jeevan Ki Purunta Hai. In Chaita Chaitamra Prabodhanand Saraswati has written, Prabhu Saraswati Kya Kehti Hai Chaita Chaitamra Chandramrit Ke Andar, Unke Dwara Likha Hua Granth Hai. One may go to go on executive Varna She Dharam. जीव जो है अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करता रहे. वन में ऑफर ऑपुलेंट वर्शिप टू द विग्रह और लॉर्ड विष्णु, यानी आप भगवान विष्णु के विग्रह की भी उपासना करते रहो. वन में ट्रेवल एंड विजिट थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ होली प्लेसेस, आप सैकड़ों सैकड़ों तीर्थों की भी यात्रा कर लो. एंड वन में बी एंगेज इन वैदिक स्टडी एंड अक्वायर वैदिक नॉलेज, आप वेद की पढ़ाई कर लो, उसके ज्ञान को प्राप्त कर लो. बट बिना न गौर प्रिय जन पाद सेवम, विदाउट टेकिंग शेल्टर एंड सर्विंग द लोटस ऑफ गौर प्रिय जन क्लियर डियर डिवोटी ऑफ गौर, नो वन कैन एंटर इनटू वृंदावन. जब तक गौर भक्तों का आश्रय नहीं लियोगे, उनके प्रेमी भक्तों का आपके कोई क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगी कि ब्रज में एंट्री करने की. तो ब्रिज में प्रवेश करने का अधिकार केवल चैतन्य महाप्रभु या उनके प्रिय भक्ति हमें प्रदान कर सकते हैं. हमें हरि नाम के द्वारा, हरि कथा के द्वारा प्रेम पैदा करके हमको ब्रिज के अधिकारी बनाते हैं. विच इज द चीफ विलास क्षेत्र ऑफ राधा गोविंद, यानी राधा गोविंद का विलास क्षेत्र है वो, जहाँ पे उन्होंने लीला की, वह प्रेम लीला इज गोइंग ऑन एटर्नली, वहाँ पे प्रेम लीला नित्य चल रही है. विदाउट टेकिंग शेल्टर एंड सर्विंग द लोटस फीट ऑफ अ गौर प्रियजन, यानी गौर प्रियजन का आश्रय लिए बगैर डियर डिवोटी या गौरव महाप्रभु, नो वन विल बी एबल टू एंटर द वृंदावन प्रेम लीला, कोई भी वृंदावन प्रेम करने का अधिकारी नहीं होता है. ऑफ राधा गोविंद, राधा गोविंद की प्रेम लीला का व्हाट टू स्पीक का एंट्रिंग, नो वन विल बी एबल टू ट्रेस आउट दैट वृंदावन बिकॉज इट इज नॉट एन इजी अफेयर. एंटर तो दूर के बात ही प्रवेश की, वो देख भी नहीं पाएगा वृंदावन को, उसको भान भी नहीं होगा, उसे लगेगा कि ये बिल्कुल कोई शहर है, दूसरा शहर है और कुछ नहीं है. उसको भाव भी नहीं मिलेंगे वृंदावन के, उसके लिए कृपा चाहिए होती है महाप्रभु के ब्रज में जाके ब्रज के भाव को महसूस करना, ये केवल महाप्रभु उनके भक्तों की कृपा चाहिए होती है. वैदिक पंडित कैन नॉट हैव इट, वेदों के पंडित इसको नहीं प्राप्त कर सकते. द पर्पस इज दैट ओनली बाय टेकिंग शेल्टर एट द लोटस फीट ऑफ अ फॉर्चुनेट वैष्णवा, यानी क्या कहने का तात्पर्य कि उस प्रेमी वैष्णव का आश्रय लीजिए जो परम भाग्यशाली अपन हूँ महाप्रभु हैज कास्ट ए मर्सीफुल ग्लांस, जिस पर महाप्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि डाली है. विल वन बी एबल टू अंडरस्टैंड वृंदावन एंड फाइंड अ विनर, ताकि जीव वृंदावन को समझ सकता है और उसके बारे में जान सकता है. Then he may try to enter it, फिर उस पर प्रवेश करने का प्रयास कर सकता है. In other words, no one can understand Gaurang Mahaprabhu and his astounding Leela without the mercy of such dear devotees. यानी कोई महाप्रभु और उनकी लीला को नहीं समझ सकता है उनकी कृपा बगैर. गौर प्रियजन एट दिस वेरी कॉन्फिडेंशियल प्रेम तत्व, जो कि बहुत गोपनीय प्रेम तत्व है. अब हम पढ़ेंगे अ गार्लैंड ऑफ द होली नेम एंड प्रेम प्रेम, यानी हार जो है हरि नाम का है और प्रेम के विषय में पढ़ेंगे. द गार्लैंड ऑफ द होली नेम एंड प्रेम, यानी महाप्रभु क्या बना रहे हमें हरि नाम का हार और प्रेम दोनों चीज प्रदान करें हैं. When Sri Chaitanya Mahaprabhu returned from Gaya, where he met Shripad Ishwarpuri, he started his Naam Sankirtan. अगर आप चैतन्य चेतावली पढ़ते हो उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है. गया जी में गए थे और वहाँ पे भगवान के चरण चिन्हों के दर्शन किए हैं, श्राद्ध किया और ईश्वरपुरी के दर्शन होते हैं, और ईश्वरपुरी के दर्शन करने के बाद उनके साथ उनके कृष्ण लीला भी सुनते हैं. उसके बाद वो आ जाते हैं अपने बंगाल में आ जाते हैं मायापुर, और उसके बाद नाम संकीर्तन शुरू करते हैं.
Every night for one full year, Mahaprabhu lead congregational chanting of the Hare Krishna Mahamantra in the house of Shivas Thakur. So, ek saal tak wo Harinam Sankirtan karte rahe. Roj ratri mein Shivas ke aangan mein. The ecstatic chanting was performed with the doors closed, so the non-believers who came to make fun could not gain entrance. Tab to wo band darwaje mein kakarna shuru kiye, jo nastik log the, jo nahi mante the, aake vighna na dale, mazak na udaye, isliye darwaje band kar karte the. Mahaprabhu performed kirtan in a very high ecstatic condition. Mahaprabhu ne kirtan kiya, bahut uch sthiti mein, bhav mein karte the. But who was not allowed to take part is in such ecstatic chanting. Kata sa kon tha jisko pravesh karne ka adhikar nahi tha itte bhav bhai kirtan mein. Only bona fide chanters were admitted. Jo bhagwan ka bhajan karna chahte hain unhi ko adhikar hai aane ka. Jo neecha dekhte hain, mazak udate hain, wo kya karenge? Others could not gain entrance. Bakiyon ko pravesh nahi mil sakta. Bona fide chanters are those who can utter the pure name. Yani adhikari jap karne wale wahi hain jo shuddh naam jap karte hain, and who can taste the nectar and mellows emanating from the pure name. Aur shuddh naam se jo ras nikalta uska aswadan kar sake. That is prem naam. Isi ko prem naam kehte hain. The name has an adjective with it. Ispe iska visheshta hai. It is not mere naam sankirtan, but prem naam sankirtan. Ye keval naam sankirtan nahi hai. Hare Krishna Mahamantra ko prem naam sankirtan diya hai, kyunki isi mantra ke jaap se jeev ke andar braj bhav utpann hote hain, braj ki bhakti utpann hoti hai. Radha Rani ke bhav ki avastha mein pahunchta hai. Agar jeev शुद्धता से भजन करे और निरंतर सेवन करे तब जाके वो पहुंच सकता है. अगर जीव सिंसियर ही नहीं है, वो करना ही नहीं चाहता, तो फिर उसके लिए आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो. प्रेम इज द एग्जेक्टिव मॉडिफाइंग नाम टू दोज हु कैन डू प्रेम नाम संकीर्तन. अब बोनाफाइड चैंटर जो प्रेम नाम संकीर्तन कर सकते वही अधिकारी हैं. And only such chanters were allowed to take part in Mahaprabhu ecstatic kirtan. Aur unhi ko adhikar tha ki Mahaprabhu kirtan mein pravesh hone ka. On the return from Gaya, Mahaprabhu started a mission for which he had appeared to give Krishna prem. Gaya ji se wapis aane ke baad Mahaprabhu ne apna abhiyan shuru kiya jiske liye wo aaye the. Kya abhiyan? Krishna prem pradan karne pre Krishna prem pradan karna. O most munificent incarnation, Namo Mahavadanaya Krishna Prem Pradayate Krishnaya Krishna Chaita Namne Gaurat Vishay Nama. O most munificent incarnation, Bahut Jada Udar Avatari, you are Krishna Himself appearing at Chaitra Mahaprabhu. Our same Krishna Jo Mahaprabhu Ke Roop Dharan Karke Ayo. You have assumed the golden color of Srimati Radharani. Aap Radharani Ke Bhav Ko Aur Roop Ko Svikar Ke And You are widely distributing pure love of Krishna Aur Us Krishna Prem Ka Vitran Karo. We offer our respectful obeisances unto you. Hum aapko pranam karte hain. Hum aapko pranam karte hain. Mahaprabhu is the most munificent incarnation because he gives Krishna prem. Mahaprabhu bahut zyada udar hai kyunki wo Krishna prem ka vitran kar rahe hain. No one else gives Krishna Prem. Koi bhi Krishna Prem pradan nahi karta hai. No avatar gives Prem. Koi bhi avatar Prem nahi pradan kar hai. Even when Krishna comes in his own Swarup, bhale Krishna apne Swarup pe bhi aaye, he never gave up. Prem nahi dete hain. Mukti de rete hain, lekin Prem nahi dete. Keeps it hidden. Usse chupa ke rakhte hain. But when Krishna comes in the form of Gaur, he distributes indiscriminate to one and all. Jekin wo jab Gaur roop dharan karte hain, to us Prem ka vitran karte hain sab ke samaksh.
Thus Mahaprabhu spread Kirtan even among the untouchable, jinhe sansar achhut manta tha, unko bhi unhone Krishna prem pradan kiya. Kehne ka bhav hai ki jo insan Hari naam karta hai, uske andar patrata swayam aa jati hai Bhagwan ko prapt karne ki. उसके अंदर कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाता है, बहुत शीघ्र प्रेम उत्पन्न हो जाता है. इवन व्हेन कृष्ण कम्स इन हिज ओन स्वरूप ही, अच्छा ही वो रीट ऑफ द होली नेम एंड प्रेम विच ही गार्लैंडेड एंटायर मटेरियल वर्ल्ड, उन्होंने पिरोया हरि नाम को और प्रेम को और उसका हार पूरे विश्व को पहनाया. द होली नेम एंड प्रेम आर वोवन टूगेदर इन टू अ गार्लैंड, हरि नाम और प्रेम को इन्होंने पिरोया है हार में. दैट इज नाम प्रेम माला, वो क्या है उसे नाम प्रेम माला कहते हैं. गौरांग महाप्रभु मेड सच अ गार्लैंड एंड गार्लैंड द एंटायर वर्ल्ड, महाप्रभु ने इस प्रकार हार बनाया और पूरे विश्व को हार पहनाया. सो वन शुड आस्क हिमसेल्फ एम आई गार्लैंडेड, तो इंसान को स्वयं को पूछना चाहिए क्या मैंने वो नाम प्रेम माला पहनी कि नहीं पहनी है. No, I am not. मैंने वो नहीं लिया. The entire world is garlanded. So why am I left out? जब सारे विश्व को उन्होंने नाम प्रेम माला पहनाई है तो मैं किधर था, मैंने क्यों नहीं पहनी, मेरे मैं ही क्यों छूट गया हूँ. Am I not within this world? क्या मैं इस जगत में नहीं हूँ. When Mahaprabhu was garlanding everyone in the material world, जब महाप्रभु हार पहनाते सबका इस संसार में, where was I? तो मैं किधर था. Oh, you were sleeping at that time. You were not awake. आप सोए हुए थे, आप उठे नहीं थे. One who sleeps will lose his chance. जो सोया रहता है, मोर रूप निद्रा में संसार में आसक्त रहता है, वो हमेशा खो बैठता है. His share will be distributed. Finish such fools are we are. हम मूर्ख हैं इतने बड़े, हमारे को जब हार पहनाने का मौका, हम सोए रहे. We should understand this naam prem mala. हमको नाम प्रेम माला को समझना चाहिए. महाप्रभु is the combined form of रसराज कवि कृष्ण and महाभावमयी राधा. तो महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण के मिलित अवतार हैं. रसराज और महाभाव इकट्ठे हुए हैं. कृष्ण इज श्रृंगार रसराज. कृष्ण कौन है? श्रृंगार रसराज हैं. The king of conjugal mellows and Radharani Madan Akhe Mahabhav, the personification of Mahabhav. तो कौन है राधे? मदन ने महाभाव, महाभाव ये सबसे ऊंची स्थिति, इसके ऊपर कोई स्थिति नहीं होती. कोई भी क्षण में हम कृष्ण के दर्शन प्राणों का त्याग कर सकते हैं. Combination means union. So why does Mahaprabhu feel such acute pangs of separation from Krishna? कहते जब ये दोनों इकट्ठे हुए तो उसे कहते मिलन कहते हैं. अगर दोनों का मिलन है तो फिर उनको विरह क्यों अनुभूति हो रही है? These two are combined. ये दोनों तो मिलित हैं. Union is the मिलन भी है. So why does he feel separation? That is the question. फिर उनको विरह के क्यों अनुभूति हो रही, यही सबसे बड़ा प्रश्न है. श्रीमती राधा रानी इज ऑलवेज क्राइंग एंड फीलिंग द एक्यूट पैंग्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा. राधा रानी हमेशा रोती है और कृष्ण के विरह की अनुभूति करती है. दैट इज विप्लम भाव. इसे विप्लम भाव कहते हैं. इन संस्कृत यूनियन इज कॉल्ड संभोग एंड सेपरेशन इज कॉल्ड विप्लम. संस्कृत में मिलन को संभोग कहते हैं और वियोग को, दूरी होने को विप्लम भाव कहते हैं. सो गौर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनियन एंड सेपरेशन. गौर कौन है? मिलन और विरह दोनों इनके अंदर एक साथ दिखाई देंगे. संभोग एंड विप्रलंब, संभोग भी है और विप्लंब भाव भी है. यूनियन इज ऑपोजिट टू सेपरेशन. जो मिलन है वो विभिरा का विरोधी है. एंड महाप्रभु इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यूनियन एंड सेपरेशन. महाप्रभु भी आपको दोनों चीज एक साथ दिखाई देंगे. राधा कृष्ण मिले भी हैं और फिर भी वो उनके लिए विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं. दिस दैट मीन टू ऑपोजिट आर देयर इन वन कंटेनर, यानी एक ही पात्र में दो विरोधी चीजें पड़ी हुई हैं.
दैट इज गौर, द गौर तत्व इज अ वेरी डीप तत्व है, इसी यही गौर है, इस गौर तत्व को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत गहराई है इसमें. When there is union between Radha and Krishna, there is some relishment of mellow and pleasure. जब राधा कृष्ण जी का मिलन होता है तो कुछ रस की अनुभूति होती है, मिलन आनंद. But when separation is comes, जब विरह उत्पन्न होता है, they feel the acute pangs of separation. उन्हें बहुत तीव्र विरह वेदना होती है, and they cry, और तब वो विलाप करते हैं. Feeling the acute pangs of separation from Krishna, Krishna से विरह की अनुभूति करते हुए राधा रानी क्रश, राधा रानी रोती हैं. And then that is predominating in Mahaprabhu because you accept the mood of Radha Rani. और ये भाव महाप्रभु में विषय दिखाई दे रहा है कि कृष्ण के लिए रोना, विरह की अनुभूति करना, क्योंकि उन्हें राधा रानी के भाव को जो ग्रहण किया हुआ है. राधा भाव, राधा भाव मीन्स विप्रलम भाव, राधा भाव का मतलब विप्रलम भाव, यानी विरह की अनुभूति करना. प्रेम होएगा तो विरह की अनुभूति करोगे, बगैर प्रेम के तो विरह अनुभूति कर ही नहीं सकता. ऑल्दो देयर इज अ यूनियन ऑफ द टू भाव, द मूड ऑफ सेपरेशन प्रीडोमिनेटिंग. तो मतलब क्या कि ये दोनों भाव का मिलन भी है और विरह की भी अनुभूति हो रही है. सो बिकॉज राधा भाव इज प्री डोमिनेटिंग, क्योंकि राधा का भाव यहाँ पे मुख्य है. महाप्रभु इज ऑलवेज क्राइंग इन सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, महाप्रभु हर वक्त कृष्ण के विरह में रो रहे हैं. दिस इज मेंशन बाय कविराज गोस्वामी. कविराज गोस्वामी क्या लिखते हैं चैत्र चैतन्यमृत में, जस राधिका वेंट मैट एट साइट ऑफ उद्धव. जिस प्रकार राधा रानी पागल हो जाती उद्धव के दर्शन करने मात्र से. सो लॉर्ड चैतन्य वाज ऑब्सेस्ड डे एंड नाइट विद द मैडनेस ऑफ सेपरेशन. महाप्रभु भी रात दिन विरह की अनुभूति कर रहे थे. वंस कृष्णा सेंट उद्धव फ्रॉम मथुरा टू ब्रज भूमि. एक बार कृष्ण जी उद्धव जी को भेजते हैं मथुरा से ब्रज में. He gave him a message of love and told him, उन्हें प्रेम का संदेशा देते हैं, कहते हैं, the Vraj Vasis are feeling the acute pangs of separation from me. Vraj Vasis जो हैं, मेरे विरह की तीव्र वेदना महसूस कर रहे हैं. They are all dying, वो मृत्युशैया तक पहुंच चुके हैं. Dear Uddhav, deliver a message of love and console them. उद्धव मेरे प्रेम के संदेश को सुनाइए और उनका सांत्वना दीजिए. When Uddha came to Braj Bhumi, he met Nand Maharaj and Yashoda Mata. जब उद्धव जी ब्रज भूमि में आते हैं तो क्या देखते हैं यशोदा मैया और नंद बाबा को. Then he went to meet the gopi, फिर गोपियों से मिलने गए. All the gopis headed by Radhani were constantly crying in separation from Krishna. सारी गोपियां जो उनकी मुखिया थी राधा रानी, वो निरंतर कृष्ण के विरह में रो रही थी. Their bodies had become skinny, उनके शरीर जो है एकदम कमजोर हो गए थे. They had given up eating and sleeping, उन्होंने खाना और सोना उसका भी त्याग कर दिया था. They were completely mad after Krishna, वो कृष्ण के पीछे पागल थी. Every place they went and everything they saw reminded of them of Krishna लीला. जिधर भी वो जाती थी और जो भी देखती थी उन्हें कृष्ण लीला ही दिखाई देता था. यस कृष्णा इंजॉयड दिस पास्ट टाइम हियर, कृष्ण ने इस लीला को यहाँ पे आस्वादन किया है. इन दिस वे दे वर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा, इस प्रकार वो निरंतर कृष्णा का चिंतन कर रही थी. दिस विप्रलम भाव द टॉपमोस्ट प्लेटफॉर्म इन लविंग अफेयर. इस विप्रलम भाव कहते हैं कि प्रेम की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है. व्हेन उद्धव सॉ देयर कंडीशन He could not say, and जब उद्धव जी ने उनकी दशा देखी तब वो कुछ कह नहीं सके. What shall I say? They have such love for Krishna, मैं क्या कह सकता हूँ, उन्हें इतना प्रेम है कृष्णा के प्रति. उद्धव had not a tinge of such love, जितना प्रेम गोपियों का था, ब्रजवासियों का था, उतना तो लेश मात्र प्रेम भी उद्धव जी में नहीं था. उद्धव वॉज अ ज्ञानी भक्त, ना तो प्रेमी भक्त. उद्धव कौन है, ज्ञानी भक्त है, और प्रेमी भक्त अलग होते हैं. प्रेम और ज्ञान में बहुत अंतर होता है. ज्ञान होना का मतलब नहीं कि आपके अंदर प्रेम होगा, लेकिन प्रेम से ज्ञान अपने आप हो जाता है.
प्रेम में विनम्रता होती है. When ज्ञान इज देयर प्रेम इज एब्सेंट. जब तक ज्ञान बना रहेगा तब तक प्रेम का अभाव रहेगा, क्योंकि ज्ञान में रहेगा ये तो भगवान है. जब ये भाव ऐश्वर्य भाव उत्पन्न होएगा, ये भगवान है, यह भाव जब उत्पन्न होंगे तो प्रेम वहां पे संकुचित हो जाता है, कम हो जाता है. ज्ञान इज ड्राई वेर एस प्रेम इज फुल ऑफ मेलो. ज्ञान जो होता है सूखा होता है और प्रेम रस से भरा हुआ होता है. द गोपी आस ओ उदा हैव यू कम फ्रॉम कृष्णा. गोपी ने पूछा उदा क्या आप कृष्णा ने आपको भेजा है. यू आर इज फ्रेंड एंड मैसेंजर. आप उनके मित्र और उनके दूत हो. हैज अ मास्टर कृष्णा सेंट यू फ्रॉम मथुरा. आपके स्वामी कृष्णा ने मथुरा से आपको भेजा है. ओ उधव वी हैव डेवलप्ड लव फॉर योर मास्टर. उधव हमें तेरे स्वामी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है. और प्योर स्पॉटल लव है, नो टिंज ऑफ लस्ट और अदर डिजायर. हमारे प्रेम में लेश मात्र भी कोई कामना नहीं है, ना हमारे अंदर कोई इच्छा है संसारिक. वी आर नॉट, यानी हम अपने सुख की कोई परवाह नहीं करी है, अपने सुख की हमारे अंदर लेश मात्र भी इच्छा नहीं है. वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग रिटर्न. हमें इसके बदले कुछ नहीं चाहिए कि हम भक्ति करें या प्रेम करें. तो सच इज द लव वी हैव डेवलप. इस प्रकार का प्रेम निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए. हम एक्चुअली हमारे जीवन में प्रेम नहीं, क्योंकि दिखता है हमें कई बार हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न हो गया है. वो इसलिए उत्पन्न दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ है और भगवान हमारे स्वार्थ की पूर्ति करें हैं, इसलिए हमें लगता है कि हमारे अंदर प्रेम है. जिस दिन भगवान ने इच्छा पूरी नहीं की, छोड़ यार भगवान देते नहीं है, ये मेरी साथ ही ऐसा करते हैं, मेरी इच्छा पूरी नहीं करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा होना था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मैं तो इतनी माला करता हूँ. तो यानी अब भगवान भी देखना चाहते हैं कि ये वास्तव में उससे प्रेम करता है कि किस स्वार्थ के लिए करे. तो कपट कर रहा है, ये तो भजन कर ही नहीं रहा मेरा, और ये तो उसके मेरे से पति प्रेम नहीं, तो मैं इसको हाईस्ट ही सोचा था दूंगा. मैं जब परीक्षा तो लूं कि ये इसका अधिकारी है कि नहीं, जब देखा कि मैंने इसकी एक भी इच्छा पूरी नहीं की, किस प्रकार गाली निकालने लगा है, निराश हो रहा है, माला छोड़ रहा है और कह रहा कि मेरे साथ है और ग्रम्बल कर रहा है, मतलब कि तेरे को मेरे पति लेश मात्र भी प्रेम नहीं है, तेरा मेरे से नाता केवल स्वार्थ से जुड़ा हुआ है. ठीक है, मैं तेरे का स्वार्थ तेरी पूर्ति करता, लियो और खुश रहो, संसार में भटकते रहो. तो संसार की इच्छा पूरी होना स्वार्थ के पूर्ति, उसे हम प्रेम समझते हैं, लेकिन यह हमको छला गया है, हम संसार में भटक रहे हैं, नहीं पूरी करते. और अब तब भी हम उसी स्तर में भजन करते, तब क्या होता था, तब भगवान हमको जरूर अपना सेवक मानते और हमें प्रेम प्रदान करते. इसलिए जिन लोगों के जेब में थोड़ी उथल पुथल होती है, समस्या आती है, तो ये नहीं बोलना चाहिए मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों है? मैं तो रोज पाठ करता हूं, मैं तो माला भी करता हूं, रोज मैं ये भी करता हूं, वो भी, वैसा क्यों क्यों नहीं हो सकता. पहली बात है आपके अंदर दीनता ही नहीं, आप अपने को श्रेष्ठ मान रहे हो, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं क्योंकि मैं रोज माला करता हूं. हो सकता करते हो गए, ये बात नहीं कि, लेकिन इसका मतलब नहीं क्या बहुत श्रेष्ठ भक्त हो गए हो. आप तुलना करो गोपियों के साथ अपनी, क्या प्रेम है मुझे बताओ आपका, किस प्रकार आप विलाप कर सकते हो, किस प्रकार रो रहे हो, निस्वार्थ प्रेम है आपका, नहीं तो प्रेम है ही क्या आपके अंदर. दिस इज नोन एज साध्य प्रीति, इसे साध्य प्रीति कहते हैं. साधन इज कॉल्ड द मीन्स एंड साध्य इज कॉल्ड द एंड. यानी साधन है जो तरीका भजन करने का, और साध्य है कि जिसकी हम उपासक के प्रति प्रेम उत्पन्न होना. नाम भजन द चैंटिंग ऑफ द होली इज द साधन एंड प्रेम इज द साध्य. नाम जप करना ये साधन है और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना यही साध्य है. प्रेम उत्पन्न हो गया तो भगवान आपके अधीन हो जाते हैं, भगवान आपके समक्ष प्रकट हो जाते हैं. तो नाम साधन है और प्रेम प्राप्त करना मां जीवन का. वो भी कौन सा प्रेम, वो प्रेम जो राधा रानी के पास है. हमें उस प्रेम की आवश्यकता है जिससे कृष्णा हमारे अधीन हो सके. बगैर वो प्रेम के हमें कोई अधीन नहीं हो सकते कृष्णा. तो जीव को राधा रानी से या हमारे गोस्वामी से, मंजरियों से प्रार्थना करनी चाहिए उस प्रेम की जो राधा रानी के पास है, जिससे हम कृष्ण को अपने अधीन कर सके, जिससे हम कृष्ण को सुख प्रदान कर सके, सुख
प्रदान करोगे तभी तो प्रभु आपके अधीन होंगे. इफ यू कैन नॉट हैव इट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अवर भजन. अगर प्रेम ही नहीं प्राप्त हो रहा तो भजन का कोई मूल्य ही नहीं है. सिमिलरली द लव ऑफ द गोपीज इज कॉल्ड साध्य प्रीति बिकॉज इट इज प्योर लव ओनली नथिंग एल्स. तो गोपियों के प्रेम को साध्य प्रीति कहते हैं, मतलब कि उनको केवल प्रेम है और कुछ नहीं उनके अंदर. लेकिन गोपियों को भी यही लगता कि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है. ये भावना तो बनी रहेगी, लेकिन जब आप शास्त्र में गोपियों के चित्र पढ़ते रहो शास्त्र में, तो आपको लगेगा कि जिस प्रकार उनके अंदर विरह है, विलाप है, मेरे अंदर कुछ नहीं है उसके मुकाबले, मैंने अभी कोई साधन किया नहीं, मुझे प्रेम प्राप्ति नहीं हुआ. अब वो दीनता बनी रहेगी और आप साधन में तत्पर हो गए. तो जब भगवान देखेंगे ये साधन में तत्पर है, बिल्कुल विचित्र हो रहा है और ये लालसा कर रहा है, बार बार प्रयास कर रहा है, तो एक दिन भगवान की कृपा शक्ति भगवान के हृदय को पिघला के वो प्रेम प्रदान करवाएगी करवाएगी. जैसे यशोदा मैया सारा दिन कृष्ण को बांधने का प्रयास कर सकी, लेकिन कृष्ण को बांधने की क्षमता किसी में नहीं है. लेकिन जब सात दिन प्रयास किया उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी, तब भगवान की कृपा शक्ति कृष्ण के हृदय को पिघलाती है और क्या देती है, उनको बंधवा देती है, प्रेम से बंधवा देती है. इसलिए जीव को अपने साधन प्रयास को नहीं छोड़ना चाहिए. भले उसको ये लगे कि मैं गोपियों से कोसों दूर चलेगा, लेकिन उनको आदर्श मान के चलो, उनके जैसा भाव और प्रेम मुझे भी प्राप्त हो, उस आदर्श को लेके चलो और प्रयास करते रहो. एक दिन तो भगवान भी देखेंगे कि प्रयास के उनकी कृपा शक्ति उनके हृदय को पिघलाएगी पिघलाएगी. द गोपी सर वी हैव डेवलप लव टुवर्ड्स योर मास्टर एंड कृष्णा हैज ऑल्सो डर लव फॉर अस. गोपियां कहती हैं कि मेरे को आपके स्वामी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया हमको, और आपके स्वामी को भी हमारे प्रति है. इट इज नॉट वन साइड, एक पक्षीय नहीं है, देर आर टू साइड, दोनों पक्षीय प्रेम है. सो प्लीज टेल अस उद्धव, वी हैव नो डिजायर एट ऑल, दिस इज प्योर लव. सो उद्धव बताइए, हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं है, यही शुद्ध प्रेम है. वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न फ्रॉम कृष्णा, हमें कृष्ण से कुछ अपेक्षा नहीं है, हमें क्या सुख देंगे, क्या देंगे, क्या नहीं देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल कृष्ण की प्रसन्नता ही चाहिए. कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता रहे ये हम चाहते हैं, हमें उसके बदले कुछ नहीं चाहिए. इट इज नॉट डेट वी लव कृष्णा टू गेट समथिंग इन रिटर्न, क्योंकि संसार में जो भी जो प्रेम अभिनय किया जाता है उसके पीछे जीव का अपना स्वार्थ होता है, आगे चल के मुझे उससे सुख मिलेगा, मुझे उससे ये फायदा होगा, यही सब भाव तो होते हैं. तभी तो हम किसी से नाता जोड़ते हैं या रिश्तेदारी बढ़ाते हैं या दोस्ती बढ़ाते हैं, पीछे स्वार्थ होता है. लेकिन निस्वार्थ का गोपियों का निस्वार्थ है, उन्हें अपनी खुशी नहीं कृष्ण की खुशी की चिंता है, उन्हें कैसे सुख प्रदान करना, वो भाव है यहाँ पे. और लव इज कॉजेस, हमारे प्रेम में कोई कारण नहीं है. सो व्हाई डिड सच चीटिंग कम, तो मैसा क्यों इस प्रकार धोखा हुआ. व्हाई टेल अस उद्धव मैसेंजर फ्रॉम कृष्णा, हमसे कहो उद्धव कृष्ण के दूत, दे आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाई आर वी नॉट डाइंग फीलिंग सच ग्रेट हीट ऑफ सेपरेशन, हम क्यों मृत्युशैया तक पहुंच गए हैं, इस प्रकार विरह की अनुभूति करी है, टेल अस, हमें बताइए. इज योर मास्टर सच अ ग्रेट चीटर अ प्रिटेंडर, क्या तो स्वामी जो है बहुत बड़ा धोखेबाज है, अभिनय कर रहा है. वॉज ही ओनली प्रिटेंडिंग विद अस, केवल क्या के प्रेम का क्या हमेशा अभिनय कर रहा था. We have heard that where there is such pure love, there is no cheating, no question of separation. तो हमने सुना है कि जहाँ पे शुद्ध प्रेम होता है वहाँ पे कभी धोखा नहीं मिलता है और ना ही वहाँ पे कभी विरह की अनुभूति होती है. सो टेल अस उद्धव, उद्धव जी हमें कहिए, यू आर हिज फ्रेंड, आप उसके मित्र हो, यू आर हिज मैसेंजर नाउ, आप उनके दूत हो. कृष्णा इज रसिक, कृष्णा जो है रसिक है, ही इंजॉय मेलोज, वो रस का आस्वादन करते हैं. ही श्रृंगार रसराज, द किंग ऑफ कॉन्जुगल मेलोज, वो श्रृंगार रसराज हैं. और सो यू आर इज सखा, आप उनके सखा हो. इज फ्रेंड
If you are a rasik jan, then why you can, then you can answer the question. Agar aap rasik bhakto premi ho to aap hamare prashna ka uttar de sakte ho, nahi to nahi de sakte. But if you are not rasik virasika, then you can answer our question. Aapke andar koi ras nahi, keval gyan hai, to hamare prashna ka uttar nahi de sakte. Uddhav is a disciple of Brahaspati, so is a gyani bhakt. Brahaspati ke shishya hai, wo gyani bhakt hai. He is a great pandit, bahut bade pandit hai, but he is not rasik, lekin wo rasik nahi hai. Gyan means dry, gyan ka matlab hota hai sukhapan. There is no mellow, wahan pe koi ras nahi hai. We think that you are a great pandit, hame lagta hai ki aap bahut bade pandit ho, but you cannot give an answer to our question. Aap hamare prashna ka uttar nahi de sakte ho. Therefore we understand that although you may be a great scholar, to hum samajhte hain aap chahe kitne hi bade vidwan kyun na ho, you have no knowledge of ras shastra. Aapko ras shastra ka koi gyan hi nahi hai. You are completely ignorant of it. To kehte आपको, आप टोटली अनभिज्ञ हो, आपको कोई ज्ञान ही नहीं है रस शास्त्र का. ऑल राइट उद्धव, कोई बात नहीं उद्धव. हियर अवज, हमारे शब्दों को सुनिए. वी आर वेरी मच अफ्लिक्टेड एंड डिस्ट्रेस बाई आवर सेपरेशन फ्रॉम अवर मास्टर. हमें बहुत ज़्यादा पीड़ा और दुख हो रहा है कृष्ण के विरह के कारण. नाउ बट वी आर मोर डिस्ट्रेसफुल थिंग that such a stain came to this pure love affair. हमें इस बात को लेके और दुख हो रहा है कि हमारा प्रेम शुद्ध है, उस पर कोई स्वार्थ नहीं है और वो कलंकित हो रहा है. क्योंकि शुद्ध प्रेम में तो कभी कलंकित होना नहीं चाहिए. फिर हमें क्यों कलंकित हो रहा है, धोखा क्यों मिल रहा है. Why has such a stain come to that to a love that has no cause. हमारे प्रेम में जिसका कोई कारण नहीं है, अकारण प्रेम करते हैं, फिर भी उस पर कलंक लगाया जा रहा है. That gives us much more pain. उससे हमारी पीड़ा और बढ़ जाती है. Because in our love there is nothing artificial. हमारे प्रेम में कोई भी चीज नकलीपना नहीं है. It is pure and quite natural. वो शुद्ध है, स्वाभाविक है. When there is some artificial love, it is to be expected. But our love is pure. तो थोड़ा भी नकलीपना होएगा, कोई स्वार्थ थोड़ा भी हमारा कुछ होएगा, तो आप सोच सकते हो कि हाँ भाई ये था भाई, इसी वजह से मुझे धोखा मिला है. लेकिन हमारा तो प्रेम शुद्ध है. सो वाई डिड सच सेपरेशन कम, इट इज इन टू, हमें क्यों विरह की अनुभूति हो रही, हमसे सहा नहीं जाता. एंड सिंस सच सेपरेशन हैज कम टू अस, एवरीवन विल नाउ कंसिडर ए प्रूफ दैट आवर लव इज आर्टिफिशियल एंड इम्प्योर. क्योंकि हमारे जीवन में इस प्रकार विरह की अनुभूति हो रही है, तो सब लोग यही सोचेंगे कि हमारा प्रेम जो है नकली था, शुद्ध नहीं था. ऑल्दो वी आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एनी फॉल्ट, हालांकि हमारे अंदर कोई दोष नहीं है. सो मेनी क्रिटिसिज्म विल कम, बहुत सी निंदा आलोचना हमारी होगी. एंड देयरफॉर द गोपीज ऑफ द विल नेवर डेवलप लव टुवर्ड्स कृष्णा. एंड देयरफॉर पीपल ऑफ द वर्ल्ड, तो लोग जो है बिल्कुल भगवान से प्रेम नहीं करेंगे. कहते गोपियों का जो प्रेम था निस्वार्थ था, शुद्ध था, फिर भी उनको अगर धोखा मिल सकता तो हमें भी मिल सकता है. कोई भी कृष्ण, आप कोई बंदा आपसे प्रेम नहीं करेगा. वट को बी मोर पेनफुल, उससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है. यानी लोग आपसे प्रेम न करे, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है. एक प्रेमी चाहेगा सब उसके प्रेमी से प्रेम करें. और जब देखेंगे, जब लोग देखते हैं कि हम जिससे प्रेम करते हैं उनको इतना दुख मिल रहा है, तो लोग कहेंगे अपने प्रेमी को इतना दुख दे रहे हैं, तो आपसे प्रेम करके फायदा क्या, आपसे प्रेम कोई प्रेम नहीं करेगा. ये हमारे ज्यादा दुख का कारण है. टेल अस उद्धव, टेल अस व्हाई डिड सच अ थिंग टेक प्लेस. उद्धव बोलिए बोलिए, ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ है. Speaking in this way, the gopis gave up all the shyness and shame and became completely mad. इस प्रकार बातचीत करते गोपियों ने अपनी लज्जा को, संकोच को छोड़ दिया और उनकी शर्म खत्म हो गई. And became completely, वो बिल्कुल पागल की अवस्था में आ गई. क्योंकि लज्जा या संकोच जो है, ये प्रेम में बहुत बड़ा बाधक है. जहाँ पे प्रेम होता ना उधर लज्जा होती ना संकोच होता. जीव अगर लज्जा संकोच की अनुभूति का, तो प्रेम कहाँ है फिर वहां पे.
लज्जा संकोच संसार में होनी चाहिए, भगवान के प्रति नहीं। उधर तो निर्लज होकर जाना पड़ेगा, सब कुछ अपना समर्पित करना पड़ेगा भगवान के आगे। अगर उसके आगे समर्पण नहीं है, लज्जा संकोच है, तो फिर समर्पण कहाँ उसके प्रति? और बिगैर समर्पण के तो भगवान मिलने वाले नहीं है। दे बिकम कंप्लीटली फॉरगेटफुल ऑफ व्हाट इज गुड और बैड, all the activities of their senses, their speech, their bodies and their minds, unke jo shabd hain, unke bhav jo hain, unka jo sharir hai, man hai, wo completely fill thoughts of krishna, wo pura jo the krishnamay tha, krishna ke chintan se bhara hua tha. Uddhav was a stranger there, a newcomer. Uddhav jo the aparichit bhag se, aparichit the unse, और नए बंदे थे। हाउ कुड दे एक्ट सो शेमलेसली बिफोर अ न्यू कमर, वो इस प्रकार निर्लजता के सामने की तरह कैसे बर्ताव आ सकते कि नए बंदे के आगे? द गोपीज फॉरगॉट एवरीथिंग एंड बिकम ओवरवेल्म्ड विद थॉट्स ऑफ कृष्णा, गोपियां अपना सर्वस्व भूल गई और कृष्ण के प्रेम में डूब जाती हैं। दैट इज द रिजल्ट ऑफ कृष्णा प्रेम। कृष्णा प्रेम की विशेषता है कि भगवान सब कुछ हरण कर लेता है, आपके कपट को हरण कर लेते हैं, आपके संस्कारों को हरण करते हैं, आपके लज्जा संकोच को हरण करते हैं, आपके मोह को हरण करते हैं और आपको पूर्ण नग्न कर देते हैं। तभी तो भगवान अपनी माया को हटाते हैं, तभी जाके वो जीव और कृष्ण का मिलन होता है और उनमें आनंद होता है। तो यही तो चीज है उनके विषय हरण करना, लज्जा को, संकोच को, संस्कारों को, फिर कपट को, मोह को, इन सब चीजों को भगवान हरण करते हैं, दुखों को भी हरण कर, सब कुछ हरण करते हैं। देन पैटिश दे क्राइड एंड क्राइड, और बड़े विलाप करती है, रोती है और बार बार रो रही है। हा कृष्णा, हा व्रजनाथ, हा गोपी, गोपी वल्लभ, आरती नासन, ओ कृष्णा, ओ मास्टर ऑफ ब्रजभूमि, कृष्णा ब्रजभूमि के स्वामी, ओ हस्बैंड ऑफ द गोपियों के पति, ओ डिस्ट्रॉयर ऑफ द डिस्ट्रेस ऑफ द गोपी, गोपियों के दुख को हरण करने वाले। कॉलिंग आउट इन दिस दे स्टूड अप एंड बिगैन टू लुक इन द डायरेक्शन ऑफ मथुरा, वो खड़े हो गए और मथुरा की ओर देख लगे। रेजिंग देयर हैंड्स दे क्राइड आउट लाउड, उनके उसको देखते हुए हाथ ऊपर करके विलाप करती है जोर से। ओ व्रज प्राण, द लाइफ ऑफ द रेजिडेंस ऑफ व्रज, ओ व्रज प्राण, जो व्रज के जो प्राण हो आप, प्लीज कम जस्ट वंस एंड सी द कंडीशन ऑफ ब्रजभूमि, एक बार आइए और ब्रजभूमि की दशा देखिए, लोग कितने परेशान है, कितने दुखी है आपके लिए। फ्रॉम अवर वेरी चाइल्ड वी हैव डल लव फॉर यू, बचपन से हमने आपके प्रति स्वाभाविक प्रेम किया है। वी डोंट नो एनीथिंग बट यू, हम तेरे अलावा कुछ नहीं जानती हैं। यस बट फ्रॉम अ वेरी चाइल्डहुड वी आर ऑल योर्स, हम बचपन से हम आपके ही हैं। नाउ वी आर ड्रॉनिंग इन द ओशन ऑफ लमेंटेशन, अ वेरी डीप अनफेदरेबल ओशन, अभी हम जो विरह के समुद्र में डूब रही है, विलाप कर रही हैं, और ये बहुत गहरा समुद्र है ये विरह का जो समुद्र है। प्लीज कम जस्ट वंस टू ब्रज भूमि, एक बार आइए ब्रज में, कैसे भी आ जाइए। एंड गिव अस अ लोट, अपने चरण प्रदान करिए। दे आर अवर लाइफ, वही हमारे प्राण है तेरे चरण। प्लीज लेट अस गेट अवर लाइफ, हमें अपने प्राणों को दिला दीजिए। द गोपीज आर कम्प्लीटली फॉरगेटफुल ऑफ ऑल शेम, गोपियों ने सारी लज्जा खत्म करके भूल चुकी थी सब कुछ, क्योंकि प्रेम भूलने की वस्तु है। प्रेम में ज्ञान नहीं रहता, ज्ञान है तो प्रेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको ज्ञान है क्या करना क्या नहीं करना, तो प्रेम घट जाता है। जब प्रेम पूर्ण रूप से जागृत होता है तो कोई पता ही नहीं चलता कि आसपास क्या है, किस तत्व में हो, किस अवस्था में हो, क्या बात करनी चाहिए क्या नहीं, आदमी कुछ ज्ञान नहीं रहता, तब जाके कह सकते उसके अंदर रियल प्रेम आया। और ऐसे प्रेमी ही जीव का संसार का उद्धार कर सकते हैं। द गोपीज आर कमली फॉरगेटफुल, सारी शर्म खत्म हो गई है, वो भूल चुकी हैं। देयरफॉर सुखदेव गोस्वामी सेज त्यक्त लौकिक, दे हैव गिवन अप ऑल शेम, उन्हें क्या कि सारी शर्म उन्होंने त्याग दी है। द गोपी वर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ द लीला कृष्णा परफॉर्म इन हिज एडोलेंस,
तो वो बार बार चिंतन करते, जो लीला कृष्ण करते थे बचपन में, एंड ऑल द कॉन्जुगल डीलिंग्स दे हैड विद हिम इन ब्रजभूमि, और ब्रजभूमि में जो जो लीलाएं हुई हैं वो सबको स्मरण करे हैं। रिमेम्बरिंग अबाउट देम, रिमेम्बरिंग दोस पास्ट एंड सिंग अबाउट देम, उन लीलाओं का स्मरण करना, उसका गुणगान करना। द डैम्सल ऑफ ब्रजभूमि गेव अप ऑल शाइनेस एंड बिकम कंप्लीटली मैड। ये ब्रज की गोपियां जो हैं सारी इन्हें लज्जा को त्याग दिया और पागल हो गई हैं। व्हेन उद्धव सॉ ऑल दिस थिंग ही बिकेम अमेज एंड थॉट टू हिमसेल्फ। जब उद्धव ने ये सब दशा देखी तो वो हैरान हो गए और अपने आप से सोचते हैं, यस बाय कमिंग टू ब्रज हु माई लाइफ हैज बिकम ग्लोरीफाइड। ब्रज में आने मात्र से मेरे जीवन में धन्यता आ चुकी है। उद्धव सेड टू हिमसेल्फ, उद्धव कहते हैं अपने आप को, आई पे माई ऑबिसेंसेज एट द लोटस फीट ऑफ द डैम्सल ऑफ व्रज भूमि। मैं प्रणाम करता हूँ उन गोपियों के चरणों को जो ब्रज में रहने वाली हैं। आई डिजायर टू गेट सम डस्ट फ्रॉम द लोटस फीट, मैं चाहता हूँ कुछ उनके चरणों की धूली मैं प्राप्त कर लूँ। बिकॉज व्हेन दे सिंग कृष्ण लीला कहानी ऑल द नाइस पर्सन के ब्रज भूमि, इट प्योरीफाइज द थ्री वर्ल्ड। क्योंकि जब वो कृष्ण लीला का उच्चारण करती है तो त्रिलोक की शुद्ध हो जाती है, क्योंकि प्रेमी के भक्त के मुख से ही कथा सुनी जाती है और वो प्रेमी भक्त के मुख से निकली कथा ही सबके अंतकरण को त्रिलोकी को शुद्ध करती है। जो प्रेम में की गाई जाती है, प्रेम की अवस्था में की जाती है, वही जो कोई इंसान पैसे के लिए करेगा या स्वार्थ पूर्ति के लिए करेगा या प्रशंसा प्राप्त करने के लिए करेगा, प्रतिष्ठा के लिए करेगा, उसकी वाणी से कोई प्रेम उत्पन्न नहीं होएगा, ना किसी का हृदय परिवर्तित होगा। हमेशा कथा कीर्तन भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए, भगवान को केंद्र करके। चाहे कोई श्रोता हो या कोई श्रोता ना हो, हम कृष्ण के लिए गुणगान करें हैं। जिसके ऊपर कृष्ण कृपा होगी वो आके सुन लेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। हम तो कृष्ण को सुना रहे हैं, हम कृष्ण को रिझाने के लिए कीर्तन कर रहे हैं, लोगों को रिझाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये बात हमको अपने अंदर घुसानी पड़ेगी, तब जाके हम रियल कीर्तन कर सकते हैं, उसका असर होगा। जब तक हम ये सोच के पब्लिक आए तब करें, लोग आए तो करें, तो ये हम लोगों के लिए करे हैं, हम भगवान के लिए नहीं करे। कोई आए या ना आए, आप ये सोचो मैं, मेरे ठाकुर जी तो सुन रहे हैं, बस उनको मैं सुना रहा हूँ, वो प्रसन्न हो गए, फिर किसी और को प्रसन्न करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। इंसान को ये भाव से अपने भजन को करना चाहिए। हमारे शंकर जी देखो, शंकर जी जैसे वक्ता और सुनने वाले कौन है? केवल एक बंदा, पार्वती। वो भी सती के रूप में कथा नहीं सुनी, पार्वती बनी विवाह के कई सालों के बाद, कार्तिक का जन्म हुआ, गणेश का, उसके बाद उन्हें जिज्ञासा की, और श्रोता कौन थे? एक ही, बोलो। शंकर जी को श्रोता नहीं मिलते, उनको एक, वो भी कई सालों में उनको एक श्रोता मिला, वही पार्वती मिली जो प्रश्न करती है। तो हम क्यों ढूंढ रहे श्रोता को? भगवान को जिसको भेजना, जिस पे अतिशय कृपा होती, वो खुद श्रोता भेज देंगे जो सिंसियर रहेंगे। लोग सुनना कहाँ चाहते हैं राम कथा को, लोग तो विषय कथा को सुनना चाहते हैं। अगर शंकर जी को एक ही श्रोता मिला इतने सालों में, तो हम क्यों परेशान हो रहे? हमको अगर श्रोता नहीं मिलती है तो शंकर जी तो राम नाम जपते रहते, कोई नहीं मिलता तो राम नाम जपते रहो, और उनके हृदय में राम नाम प्रकाशित है, उनको राम के लीला के दर्शन हो रहे हैं, और क्या चाहिए? हरि नाम करना मीन्स हरि नाम की सेवा, राम की सेवा हो रही है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती है। आप ये मत सोचो कि आप सेवा नहीं करो, नाम जप करना ही भगवान की सेवा हो रही है, आप भगवान के गुणगान करो, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। तो कहते हैं, आई वॉन्ट टू टेक द डस्ट फ्रॉम द लोटस फीट एंड पुट इट ऑन माई हेड, मैं उस धूली को उठा के आपके सिर पे रखना चाहता हूँ। आई विल वेयर दैट एज द ऑर्नामेंट ऑन माई हेड, वही मेरे सिर का आभूषण होगा। गोपियों की धूली भी मेरे सिर के आभूषण होगा, क्योंकि उससे मुझे प्रेम प्राप्त होगा। इफ आई कैन हैव इट,
I will think my life has become so successful. Agar main unki dhuli ko lunga to socho mera jeevan sarthak hai. And then my heart, which is dry with gyan, will be soaked with some mellow. Jab mera hrde hai jo gyan ke karan sukh chuka hai, usko kuch ras ki prapti hoegi. Will be so, I think so, मुझे लगता है तभी रस मुझे मिल सकता है. इसलिए कृष्ण जी जब ब्रह्मांड घाट में मिट्टी इसलिए खाई थी क्योंकि उसी मिट्टी में राधा रानी अपनी सखियों के साथ टहलती थी, जमुना स्नान करती थी और खेलती थी. तो कृष्ण जी भी अपने सखाओं से खेला. कहते जिस भूमि में राधा जी के चरण चिन्ह लगे हैं, जिस रज में, उस रज को मैं अपने मुख के अंदर लूंगा ताकि त्रिलोकी को वो प्रेम प्राप्त हो, उस रस की प्राप्ति हो. इससे कृष्ण जी ने ब्रह्मांड घाट में ही उन्होंने उस मिट्टी को खाया था. While he was thinking this way, Uddhav came in the kunj where Radha Rani was lying. जब इस प्रकार सोचे थे उद्धव जी कहां पे आए, उसी कुंज में आए जहां पे राधा रानी लेटी हुई थी. राधा रानी इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ कृष्ण विरह. कृष्ण विरह के प्रतीक है राधा रानी. इफ सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण अज्यूम्स अ बॉडी, अगर कृष्ण का विरह जो है अगर शरीर धारण करता है, दैट इज राधा रानी, तो वो है राधा रानी. Her eight intimate sakis were all sitting around. She was lying on the ground with the head on the lap of one of her girl companions. वो आठ सखियों से घिरी हुई थी और अपना जो सिर है एक सखी के गोद में रखी हुई थी. Her whole body was cold, पूरा शरीर शिथिल हो चुका था. As if without life, जैसे कि प्राण ही निकल गए हों. If the life departs, the body becomes cold. जब प्राण निकल जाते तो शरीर शिथिल हो जाता है. राधा रानी was in such a dying condition, hardly able to speak. राधा रानी उस अवस्था में थी और कुछ बोल भी नहीं पा रही थी. In a very feeble voice, राधा रानी said to her girl companion, बड़ी धीमी आवाज में राधा रानी अपनी सखियों से कहती है, This separation from Gokulpati Krishna is burning me like a high fever. ये जो विरह है मुझे कृष्ण से हो रहा है, गोकुलपति से, ये बुखार की तरह, बहुत ज्यादा बुखार की तरह मेरे शरीर को जला रहा है. The acute pangs of separation create a fever of 110 degrees. कहते बहुत विरह उत्पन्न होता है, विरह के कारण भी इंसान को बुखार हो सकता है और बुखार इतना तेज होता है कि 110 डिग्री पे जब इंसान प्राण छोड़ सकता है, उसी इतने बुखार में प्राण छूट जाते हैं. एट 110 डिग्रीज ऑफ मैन विल डाई, इस अवस्था में इंसान का शरीर छूट जाता है. ओ सखी, सच हीट इज मोर पेनफुल देन वेरी ड्रेडफुल पॉइजन. वो सखी, वो जो जो विरह की अग्नि है वो ज्यादा दुखदाई है जहर के मुकाबले. विष पीता भयानक नहीं होगा, जितो विरह की अग्नि हो रही है. कालकुट विष पीता भयानक नहीं होता है. इट इज मोर अनबेरेबल देन फॉलिंग ऑफ द थंडरबोल्ट इंद्र. कहते वो जो विरह की अग्नि है वो इंद्र के वज्र से भी ज्यादा दुखदाई है. वो सहन नहीं होती, वो वज्र फिर भी बंदा सहन कर लेगा लेकिन विरह नहीं सहा जाता. एट एवरी मोमेंट द अक्यूट पैंग्स ऑफ सेपरेशन इज पियर्सिंग माई हार्ट. हर परिस्थिति, हर क्षण मुझे विरह की अग्नि मेरे हृदय को छेद रही है. तो सोचो किस लेवल का प्रेम होएगा जो इनकी इस अवस्था में आई है. क्या हमारा प्रेम है, आप अपनी तुलना करिए. हम सब अपने अपने झांके देखे, इसके एक परसेंट भी हमारे अंदर है, 0.1% भी प्रेम है. क्या हम विलाप करें, क्या विरह है, कोई आंसू भी हमारे अंदर है. नकली आंसू की बात मेरी का जो देखो स्वभावी, तो कहे कि हम भक्त हैं, हमें किस बात का भी मना भक्ति करने का. माला करते ठीक है, अभी भगवान की कृपा से हमसे हो रही माला, नहीं तो जीव अपने प्रयास से माला भी नहीं कर सकता है. कई बार अभिमान पैदा करके मैं माला कर रहा हूं, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती. क्योंकि जीव जब अभिमान करता जी मैं माला करने चला हूं, तो कहते जी कह रहे तेरी प्रकृति जीव पर प्राकृतिक नाम कैसे तेरी जीवा पे, तो मैं देखता हूं. जब भीख मांगते हो प्रभु तेरा नाम मेरी जीवा पे नित्य करे, प्रभु आप
कृपा करो तब देखो प्रभु आपने नाम को किस प्रकार नित्य कराते हैं, दो दो तीन तीन लाख नाम जपवा देंगे आपसे आप, लेकिन इस भाव से भीख मांगनी पड़ेगी कि आपका नाम मेरी जीवा पे नित्य करे। मैं आपका नाम नहीं ले सकता, मेरे में कोई क्षमता नहीं आपका नाम जपने की, लेकिन आप कृपा करोगे तो ही यह नाम उच्चारण होएगा। कहते कम मेरे हृदय को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, ओ सखी आई कैन नॉट टॉलरेट इट, एंड मुझे और सहन नहीं होता, आई सी नो नीड टू कीप दिस बॉडी अलाइव, मैं क्या करूंगा उस शरीर को रखे जिससे कृष्ण की प्राप्ति न हो। शरीर की सार्थकता यही है कि कृष्ण की सेवा में नियुक्त होए, अगर कृष्ण सेवा में नियुक्त नहीं हो रहा है तो उसको त्यागना ही अच्छा है। इससे महापुरुष कहते हैं अगर शरीर चाहते हो हम बनाए रखना तो उसको सेवा में लगाए रहो अपने, अगर सेवा में नहीं है बेकार हो गया शरीर तो शरीर क्या करोगे रखे, फिर कहोगे भाई शरीर छुड़ा दे, मुझे वो शरीर दो जिस शरीर से मैं आपकी निरंतर सेवा कर सकूं, मुझे दिव्य शरीर की प्राप्ति करा दो ताकि मैं आपकी सेवा से एक क्षण भी दूर नहीं रहना चाहता, हर वक्त आपकी सेवा। इस भाव से मनुष्य को अपने शरीर को त्याग करना चाहिए तब उसे भगवान का दिव्य शरीर प्राप्ति होगी और निज धाम में इसको निजी सेवा मिलती है। ये कामना हमारे अंदर होनी चाहिए मृत्यु के समय, दुख यह होना चाहिए मैं रोगी हो गया, बूढ़ा हो गया, असमर्थ हो गया, आपकी सेवा के लायक नहीं रहा, क्या करूंगा शरीर को, प्रभु शरीर को छुड़ा दो, अब माला भी ज्यादा नहीं होती है, जिसने शरीर नहीं रखना है मैं आपको भूल के शरीर नहीं छोड़ना चाहता हूँ, आपकी स्मृति में शरीर छोड़ना चाहता हूँ, इस प्रकार के भाव रखिए और शरीर का परित्याग करिए। आपको जो सिंसियरली जैसे जीवन में भजन किया है भगवान उसको धोखा नहीं होने देंगे, एक बार गारंटी है, लेकिन जो कपट कर रहे हैं कपट पूर्वक भजन कर रहे हैं कोई कामना को लेकर कोई स्वार्थ पूर्ति के लिए वो धोखा खा सकते हैं। जो प्रेम कर रहे हैं और जिन्हें सिंसियरली प्रेम किया भगवान कभी धोखा नहीं देंगे, उसको भगवान कभी भूलते नहीं है, उसको हमेशा अपनी स्मृति दिलाएंगे दिलाएंगे, इसे कहते हैं भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं। I want to give Radha Rani remain silent for one or two moments. एक दो क्षण के लिए राधा रानी चुप रहती है। Then she said, "Oh, Sakhi, death is not coming to me. There is a great obstacle preventing death from coming to me." कहती है कि सखी मेरे को मृत्यु भी नहीं आ रही है, बहुत बड़े विघ्न आ रहा है उस मृत्यु के लिए, a great hindrance coming in the way, बहुत बड़ी बाधा आ रही है। क्या है वो बाधा कि कृष्ण ने कहा हम आएंगे, बस वही बाधा रुकावट दे रही है, कृष्ण मिलेंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने शरीर को छोड़ दिया है तो उनको कितना दुख होएगा, फिर वो अपने शरीर को नहीं रख पाएंगे। और कल वो आती हैं ब्रिज में, जो ने वायदा कि मैं आऊंगा, अगर वो आते हैं तो हम नहीं रहेंगे तो उनकी सेवा कैसे होगी, इसलिए हमें दुख ही रहना मंजूर है, लेकिन उसकी सेवा के लिए उसको प्रसन्न करने के लिए हम अपने शरीर को बनाए रखना चाहते हैं। दिस इज डिस्क्राइब बाई रूप गोस्वामी इन ललित माधव। ललित माधव में क्या है हम कल पढ़ते हैं, क्योंकि अर्थ बहुत है, गुड़ अर्थ है, मैं समय हो रहा है, मैं धीरे धीरे प्रसंग को लेना चाहता हूँ क्योंकि आप उसके रस का आस्वादन करें, तो मैं विश्राम करता हूँ। वांछा कल्पत्रु भैश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावने भयो वैष्णव भयो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।